नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है घूमो दुनिया ब्लॉग। और आज की तारीख है 1 दिसंबर 2023, समय हुआ 7:15 का और मैं खड़ा हूं समय शिव मंदिर दोहाई पे, और जहां से हमारी बस चलती है श्री लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल द्वारा, और यहां से बस चलती है खाटू श्याम जी के लिए। और बस आ चुकी है सामने, आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो पंडित जी भी तैयार हैं इस समय, और अभय भाई हैं जो ज्वाइन करेंगे हमें बहुत दिनों। हेलो भाई, कैसे हो? तो ये भाई हैं हमारे, कानपुर से आए हैं और इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। इनके साथ में कौन कौन से भाई हैं? क्या नाम इनका? पंकज। पंकज भाई, स्वागत है आपका। अभी पूजा का तैयारी चल रही है, पूजा होगी भी बस की। और बस आ चुकी है, ये है एसी बस और इसके पीछे नॉन एसी बस खड़ी हुई है। दोनों बस आ चुकी हैं, तो दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा एसी बस का। और आगे आने वाली जो यात्राएं हैं उनके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और सारे कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी हैं कॉन्टैक्ट नंबर उनके वो भी मिल जाएंगे ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले दिखाते हैं इंटीरियर अपनी एसी बस का। तो ये है एसी बस, सवारी आ चुकी हैं, कुछ सवारी का इंतजार है। अब दिखाते हैं आपको नॉन एसी बस का नज़ारा। तो अभी चल रही है पूजा की तैयारी। श्याम बाबा की कृपा बनी रहे। और अगली यात्रा संभावित तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन दिसंबर अंत में जाएगी, तो उससे पहले आप टिकट बुक करा लें। उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आ जाओ।
अरे की जय, इसके दानी की जय, लखदातार की जय, बालाजी महाराज की जय, करे वीर बजेंगे। अरे के सहारे की जय, ईमानदारी की जय, किसके दानी की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाहर तक आवाज आओ जो नरेश की जय, के सहारे की जय, ईमानदारी की जय, किसके दानी की जय, सरदार की जय, बालाजी महाराज की जय, कालका मैया की जय। तो चल चुकी है बस और अभी हम चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल से। भैया पंखे चला दियो, चल रहे ईस्टर्न पेरिफेरल से जाएंगे हम। चला लो पंखे, चलाने दो। अगर आपको टिकट की बुकिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है और आगे आने वाली यात्राओं के लिए ग्रुप का लिंक भी है, उसमें ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी अगली यात्राओं की। तो अगली यात्रा की डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी ग्रुप में पता चल जाएगा आपको, तो ज्वाइन जरूर कर लें। अभी हो रहा है लड्डू का वितरण। तो लड्डू की सेवा दी जा रही है, प्रसाद का वितरण कृष्णा भैया दे रहे हैं। जय श्री राम भैया, ठीक हो? तो मिल चुका है हमें भी लड्डू, सभी कार्ड बांटे जा रहे हैं सभी को। इस कार्ड पे सारी डिटेल होती है, नंबर वगैरह लिखे होते हैं। इस कार्ड पे सारी डिटेल होती है। आप यहाँ पे कॉल करके टिकट बुक कर सकते हैं अपनी। जलाई है, पल में उसने शाम
अम्मा ना अरे हाँ अम्मा के साथ में देखो पर बस में रोटी और मूंग दाल का वितरण, रोटी और नमकीन का वितरण चल रहा है। जय श्री राम। तो मिल चुकी है रोटी और मूंग दाल, तो खाते हैं मूंग दाल। सभी एंजॉय करते हुए सभी लोग। कैसा लग रहा है सफर? बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी समय हुआ है 11:05 का और हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे श्री सावरिया ढाबे पे। और 11 के आसपास बता दूँ, कोहरा बहुत है इधर, देख सकते हैं आप, ये वॉशरूम बना हुआ है, कोहरा काफ़ी है। तो जो लोग चल रहे हैं, ये चलने की सोच रहे हैं रात के टाइम में, तो यहाँ कोहरा मिल सकता है आपको। ये बस आ चुकी है, पहली बस हमारी, दूसरी बस भी आने वाली होगी, आसपास ही होगी। और भैया जय श्री श्याम। भैया जय श्री श्याम, कैसा रहा अब तक का सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कोहरा यही है, कोहरा यहाँ है यार, यहाँ पे खेती चक्कर मार रहा है इधर से। कोहरा मशीन पॉल्यूशन मारा, कोहरा है कैसा है तो है, कुछ ठंडक भी है। आने वाली होगी, आगे पीछे चल रही थी ना। अब जा रहे हैं हम दूसरी बस में, चल रहे भैया। और भैया ठीक हो? बढ़िया। तो अभी सब सो रहे हैं बस में, कोहरे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा इस समय है और टाइम हुआ होगा 1:50 का। कोहरा भी है, चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी अपनी प्राइवेट कार से आना चाह रहे हैं समय, तो बहुत संभल के आएँ। 1 दिसंबर का टाइम है और अब कोहरा पड़ने लगा है, निजी वाहन वाले थोड़ा बहुत देख के चला के लाएँ, यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बस बड़ी है, ऊंची होती है, तो यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी दिखती भी है, कार में वो इतना नहीं हो पाता।
हाफ ऐसे में कुछ नहीं दिख रहा बाहर का, तो मैं यहाँ से देखूंगा। अगली बस हमारी जा रही है, रेड रेड दिख रहा है ना आगे, तो हम उसी के पीछे करते फॉलो करते हुए चल रहे हैं। चारों इंडिकेटर चला रखे हैं जिससे कि पीछे वाले को पता चलता रहे कि कोई गाड़ी है आगे। अगर आप आना चाह रहे हैं तो दिन में ही प्लान करें, दिन में दिन दिन में गाड़ी चलाएं, रात में बिल्कुल ना चलाएं जहाँ कोहरे की बात आती है, इस तरीके से आ सकते हैं, वरना रात में तो अवॉइड करना, यही सलाह दी जाएगी, चाहे खाटू श्याम जी जाएँ या कहीं भी जाएँ। कोहरा है राजस्थान में। अभी समय हुआ है 3:50 का और अभी लिया है टी ब्रेक चाय के लिए, और कोहरा दिखा दो भाई, कोहरा यह काफ़ी है इस रोड पे। ये हाँ, ये सापुरा से जो कट लेते हैं वहाँ से पूरे में। बाकी अपनी प्राइवेट गाड़ी से आने की सोच रहे अगर, तो भाई इस कोहरे वाले मौसम में ना आए। बाकी बस से आना चाहें तो बस के लिए ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, तो यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, हर महीने की सेवा चलती है बस सेवा। अनिल त्यागी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कृष्ण प्रजापति से कर सकते हैं, दीपांशु भाई से जो कि बस चलती है भाई शिव मंदिर दोहाई से गाजियाबाद से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए इस फोटो को, और कभी भी बुकिंग करानी हो बुक करा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर समय समय पर जानकारी मिलती रहती है कब कौन सी यात्रा जाएगी। ठीक है, चाय पीते हैं। समय हुआ है 4:30 का और हम रिंगस पहुंचने वाले हैं, उसी ब्रिज पे आ गए जो रेलवे स्टेशन का ब्रिज आता है, उसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं इस समय, और हमारी बस यात्रा से कुछ श्याम प्रेमी निशान यात्रा भी करेंगे जिसके लिए यहीं पे ड्रॉप किया जाएगा उनको निशान भवन के पास। तो यहाँ उतार दिया है निशान यात्रा करने वाले श्याम प्रेमियों को, और दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं। कोहरा काफ़ी है समय 4:30 के आसपास भी, अंदर से वीडियो बना रहा हूँ मैं, बीच बीच में काफ़ी कोहरा आता है, इसलिए जो भी अपनी गाड़ी लेके आने वाले हैं उनसे यही कहूँगा प्लीज़ रात को ना चलाएं, कोहरा काफ़ी मिलेगा, दिन के समय ही ड्राइविंग करें। देखो कितना तगड़ा कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा। बस की लाइट तेज होने के कारण थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, नॉर्मल गाड़ी का तो भाई नहीं दिखाई देगा, इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें। और अगर बस से जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो पे। जय श्री श्याम। तो सुबह के बज रहे हैं 5:23 और कोहरा, आप देख सकते हैं विकेट कोहरा हो रहा है, पार्किंग के अंदर है सब, और आ चुके हैं खाटू श्याम जी की पार्किंग। जय श्री श्याम भैया, बिल्कुल नहीं दिख रहे इसमें भी कोहरा है, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। तो आप हमारे पीछे भी आप तो आगे आ गए ना, पहले उसी रास्ते से आए थे किसी और रास्ते से? तो आ चुके हैं धर्मशाला के सामने, अन्नपूर्णा धर्मशाला, आगे सामने मिलता है थाना खाटू श्याम जी का, तो ये लैंडमार्क है, कभी आप अकेले भी आना चाहें तो अभी आ सकते हैं अपनी कार से यहाँ पर रुकने का इंतजाम है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि विंटर में कैसे जाएं, तो भैया मैं तो ये कहूँगा अपनी कार से बिल्कुल ना आए, बहुत कोहरा है भाई, बहुत ज़्यादा कोहरा, बस वाला भी बहुत ध्यान से ले गया है, बहुत ध्यान से केयरफुली, हैवी लाइट होने के बाद आराम से हम आए, फिर भी जो टाइम था 5:30 तक पहुँचने का पहुँच गए इस टाइम तक। ये वॉशरूम की सुविधा, इधर भोजन की सुविधा रहती है हमारी बस सेवा द्वारा, यहाँ पे आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक खाना खिलाया जाता है। तो इधर वॉशरूम वगैरह गीजर वगैरह सबकी सुविधा है। अब चलेंगे अंदर, आइए जी, रखती अपनी चप्पल यहाँ पे सबने,
अब चलेंगे हॉल के अंदर। ये हॉल, यहाँ पे विश्राम करेंगे, फिर अपना नहा धोकर फिर यात्रा होगी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। किस साइड का है? और भैया यात्रा कैसे रही? बढ़िया भैया, अच्छी रही भैया। थकान तो नहीं हुई ज्यादा? मतलब थकान होती है जाते जाते रहा। अच्छा, सही है, सही भैया। बाकी आराम से, अब लेटो थोड़ी देर। धर्मशाला अच्छी है ना? यहाँ आराम से लेटने का व्यवस्था है, कहीं भी लेटो, पूरी धर्मशाला अपनी ही है। हाँ, दो बस के हिसाब से बढ़िया। अब नहा धो के तैयार होके चलेंगे खाटू श्याम जी की यात्रा पे, और वहाँ दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक पूरा देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, ठीक है।